हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है अगस्त की मंथली एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सो कल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, मेरा क्या ट्रेड प्लान है कल के लिए, क्या कल मार्केट कल मतलब मैं कौन कौन से ट्रेड लेने वाला हूँ या फिर मैं क्या प्लान करके बैठा हूँ, एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो भी सेटअप बन रहे हैं वो हमेशा की तरह इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ मैं अपना, राइट। सो ध्यान से देखना, अगर आप पुराने हो तो आपको पता है इस वीडियो की वैल्यू, इस ट्रेड प्लान की वैल्यू, बट अगर आप नए हो सो ध्यान से देखो इस वीडियो को, डोंट टेक दिस लाइटली, एंड अगर आप कुछ दिन तक फॉलो करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस वीडियो की वैल्यू क्या है, राइट। सो ध्यान से देखना जो भी चीज़ है। ओके, सो बात कर लेते हैं कि कल का ट्रेड प्लान क्या है मेरा, बट उससे पहले एक बार हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आज कौन कौन से ट्रेड्स बने थे, राइट। सो देखो आज ना बैंक निफ्टी में मैंने आपको ट्रेड बताया था ये वाला, राइट। मैंने एक बार मैं डिस्कस करके आपको बता देता हूँ कि कल क्या हुआ था। देखो बैंक निफ्टी में मैंने आपको ट्रेड दिया था, यहाँ पे ये लेवल दिया था और बोला था कि अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है ना एंड इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो फिर हम कॉल का ट्रेड लेंगे और यहाँ तक का हम टारगेट बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये था, फाइनल टारगेट ये था, राइट। बट ऐसा हुआ नहीं, गैप अप ओपन हुआ, राइट। और गैप अप अगर ओपन होना था, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर गैप अप ओपन हो इस लेवल के ऊपर तो नीचे जाए मार्केट, ठीक है, फिर यहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेके फिर वापस ऊपर आए तब हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेते। बट यहाँ पे क्या हुआ, दोनों में से कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हुई। बट मार्केट जब यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, राइट, इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा था तो एनालिसिस वीडियो के अकॉर्डिंग तो एंट्री नहीं बनी, बट यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री बनी थी जिस पे मैंने आपको यहाँ पे जब मार्केट ने यहाँ पे था ना मार्केट जब फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल पे, राइट, ये सेकेंड कैंडल हैमर की कैंडल पे वॉइस मैसेज पे आपको वॉइस नोट भेजा था वहाँ पे टेलीग्राम पे, और वीडियो में बताता हूँ मैं आपको हमेशा कि इसीलिए टेलीग्राम पे होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर कुछ नया सिनेरियो बने तो मैं आपको बता दूँ। तो जो वीडियो में बताया था वो सिनेरियो बन नहीं पाया था, राइट। तो यहाँ पे लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट भेजा कि मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, और स्कैल्पिंग करा 100 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ, मतलब फर्स्ट लेवल के आसपास तक का जो टारगेट था हमारा यहाँ पे मिल गया, काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट 800 रुपये का पर लॉट का प्रॉफिट इसने दे दिया बड़े आराम से, तो बहुत अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल का भी अपडेट सुनना है, जो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उसके बेस पर एंट्री मिल गई बहुत अच्छी बात है, आपको पता ही है। बट अगर सिनेरियो चेंज होता है तो टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा, तो मेक श्योर कि अगर आप इस वीडियो के बेस पर ट्रेड लेने वाले हो जो मैं आपको अभी बताऊंगा कल का, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है और काफी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए तो मेक श्योर कि आप उनसे दूर रहो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से ज्वाइन करना है, वही है बस मेरा और कोई दूसरा नहीं, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है ये वाला एक ट्रेड बना था, उसके बाद देखो मार्केट में क्या फ्री फॉल हमें देखने को मिला, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बट स्टिल ऐसा हो गया। तो मेरा जो है यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप बना था, आपको पता है ये बहुत छोटा सा देखने में लग रहा है, राइट, बिकॉज मार्केट का मूव इतना बड़ा है, बट काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट पे मैंने पुट का ट्रेड लिया था और यहीं तक का बस मैंने जो क्लोजिंग है कल की वहाँ तक का मैंने टारगेट बनाया था, बट मार्केट ने उसके नीचे भी एकदम पूरा क्रैश हो गया, तो मैंने तो यहाँ पे ही सारे लॉट्स अपने एग्जिट कर दिए थे बैंक निफ्टी में, राइट। बैंक निफ्टी के ये दो जो है अपने ट्रेड्स बने थे, इस वाले ट्रेड में 1000 रुपये तक का पर लॉट मैंने प्रॉफिट कैप्चर किया। उसके बाद तीसरा ट्रेड और बना, वैसे तो मैं लेने वाला नहीं था ये तीसरा ट्रेड क्योंकि ऑलरेडी दो ट्रेड हो गया था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया था, बट स्टिल जो यहाँ पे सेटअप बना था वो देख के मेरे से रहा नहीं गया। बैंक निफ्टी का प्रॉफिट बुक करते ही यहाँ पे निफ्टी ने अगेन वही अपना जो इन्वर्टेड कपल है इसका ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे, राइट। और उसके बाद मार्केट ने क्या खतरनाक वाला जो है फ्री फॉल इसमें भी दिखाया, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे, जिन्होंने अगर पूरा होल्ड किया होगा ना तो यहाँ तक भी अगर आपने होल्ड किया होगा तो आपका जो कैपिटल है इस वाले ट्रेड का डबल हो गया होगा। ऑल्दो मेरा थर्ड ये वाला तीसरा ट्रेड था बट फिर भी पर लॉट 1750 रुपये का मेरा इसमें पर लॉट प्रॉफिट हुआ था। सो ऑल राइट, सो काफ़ी अच्छे ट्रेड बने थे बैंक निफ्टी में, दो ट्रेड और निफ्टी में ये वाला एक ट्रेड बना था। ओके, निफ्टी में मैंने आपको जो ट्रेड बताया था कि इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम कॉल का ट्रेड लेंगे यहाँ तक के लिए। अब देखो मार्केट ने पूरा ओपन होते ही टारगेट यहाँ तक का दे दिया था तो ये वाला ट्रेड हमारा इसमें एंट्री नहीं बन पाई थी। ओके, सो आपको पता होगा, प्लस आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो काफ़ी टाइम से तो ये वाला ट्रेड से तब तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, तो आप लोगों ने आई होप आप ये वाला कैप्चर कर लिया होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कल के लिए, कल का क्या ट्रेड प्लान है, ठीक है, राइट। ओके, सो वी हैव दीज लेवल्स इन निफ्टी, कैसे हमें करना है, क्या ट्रेड करना है, ध्यान से सुनना। देखो जो ये फ्री फॉल आया है इसके बाद ना अभी निफ्टी जो है बहुत ही एकदम मिडल पॉइंट पे है, ये निफ्टी यहाँ से नीचे भी जा सकता है बहुत अच्छे से एंड यहाँ से बहुत अच्छा खासा ऊपर भी मूव दे सकता है, एकदम मिडल पॉइंट पे है, यू कैन से दैट। तो यहाँ पे बस डिसाइडिंग फैक्टर कल जो है मार्केट क्रिएट करेगा, सॉरी ये निफ्टी है, बैंक निफ्टी था, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी भी उसी पॉइंट पे, बट पहले बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी में क्या ट्रेड बन रहे हैं। देखो निफ्टी पे अपने पास ये निफ्टी के लिए ये लेवल्स हैं, राइट, वी हैव दीज लेवल्स इन निफ्टी,
ये वाला लेवल है। पहले बात कर लेते हैं कॉल के ट्रेड की, जिसके चांसेस मुझे लग रहा है कि ज़्यादा होंगे, ठीक है, कॉल के ट्रेड के, लेट्स सी। तो ये वाला जो लेवल है अपना 19,378 का, अगर इस लेवल के नीचे यहाँ पे साइडवेज कहीं पे ओपन होता है निफ्टी, और जो हमारा ये लेवल है 19,378 इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है और ऊपर आके कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड फाइनल टारगेट ये रहेगा। 19,448 का फाइनल टारगेट है एंड 19,410 का फर्स्ट टारगेट है। कम लॉट्स वाले तो सारे लॉट्स यहाँ पे लेके निकल जाना, जिनके पास ज़्यादा लॉट्स है आप यहाँ पे 80% या 70% भी लॉट्स यहाँ पे बुक करके फिर आप यहाँ तक के लिए ट्रेल कर सकते हो। ये बहुत अच्छा खासा यहाँ पे अपना जो कॉल का ट्रेड है बन रहा है, दिस इज जो निफ्टी का जो है दिस इज द बेस्ट ट्रेड कल जो बन सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड सिनेरियो बनेगा कि अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाए इनकेस निफ्टी, तो क्या करें। देखो अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है ना निफ्टी, तो ये नीचे जा सकता है और यहाँ इस एरिया के आसपास कहीं पे थोड़ा सा या फिर नीचे भी जा सकता है, और मतलब इस लेवल का फेक ब्रेकआउट देके और अगर ऊपर आता है मतलब यहाँ से रिजेक्शन लेके, मतलब एक बार और सुनो कि ध्यान से क्या बोल रहा है, अगर मान लो हमारा इस लेवल के ऊपर ही ओपन होता है ना निफ्टी यहाँ पे कहीं पे, राइट, यहाँ पे कहीं पे अगर निफ्टी ओपन होता है तो हमें नीचे जाने का वेट करने देना है। जब नीचे जाएगा निफ्टी और यहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेके फिर वापस आएगा ऊपर इस लेवल के और ऊपर आके फिर से क्लोजिंग मिल जाएगी, ऐसे नीचे टाइम पास करके रिजेक्शन लेके वापस ऊपर आके और हमारे अगेन इस लेवल के ऊपर 19,378 इसके ऊपर ब्रेकआउट मिल गया, कैंडल क्लोज हो गई इसके ऊपर आके फिर से, तो फिर अगेन वही सेम ट्रेड, कॉल का ट्रेड, फर्स्ट टारगेट और ये फाइनल टारगेट, ठीक है। ये आप दो ट्रेड्स यहाँ पे बना सकते हो, जो भी मैं आपको यहाँ पे ट्रेड्स बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर ये तो ट्रेड बनेगा तो आपको लेना ही लेना है, मैं भी लूँगा, बट इसके अलावा जो क्लास के सेटअप्स मैंने आपको सिखा रखे हैं वो बनेगा। अगर मान ये तो अपना अभी के लिए नो ट्रेडिंग जोन है अभी के लिए, बट अगर मान लो इस वाले जोन में कल क्लास का कोई ट्रेड सेटअप बन गया तो आप उसको लोगे, बिल्कुल लोगे, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि इग्नोर करना है, वो आप बिल्कुल लोगे। अभी के लिए एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये नो ट्रेडिंग जोन है, सेटअप बन गया अगर तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ये हो गया कॉल का ट्रेड। अब हम बात कर लेते हैं पुट की ट्रेड की। देखो पुट के लिए अपने पास ये लेवल्स हैं। देखो वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया ना तो फिर हो जाएगी हमारे लिए प्रॉब्लम उस केस में, राइट, थोड़ी सिचुएशन खराब हो जाएगी, ट्रेड वगैरह खराब हो जाएगा। सो लेट्स होप कि जो गैप डाउन है बहुत ज़्यादा वो यहाँ पे हमें देखने को जो है ना मिले। ओके सो देखो यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं निफ्टी में जो पुट के ट्रेड की। तो अगेन अपने पास ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल है दिस लेवल 19,309 का, ये लेवल है। सो अगर निफ्टी साइडवेज ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे एंड इस लेवल के नीचे आके कैंडल क्लोज हो जाए, इस लेवल के नीचे आके कैंडल क्लोज हो जाए, ब्रेकआउट मिल जाए अगर इस लेवल के नीचे, तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल 19,272 का एंड फाइनल टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल 19,234 का। कम लॉट्स वाले सारे लॉट्स यहाँ पे लेके निकल जाना, जिनके पास ज़्यादा लॉट्स हैं आप 70% लॉट्स यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, बाकी यहाँ तक के लिए ट्रेल कर सकते हो। तो ये हो गया पुट का टारगेट ट्रेड। अगर इसके अंदर गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या करें। देखो अगर गैप डाउन होता है ओपन कहीं भी इस एरिया में कहीं पे भी, इस पूरे एरिया में कहीं पे भी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या होगा, गैप डाउन ओपन होगा, लेट्स से यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है एंड हमारा जो ये लेवल है 19,309 के ऊपर, अगर इसके ऊपर जाता है और यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ जाए, नीचे आके क्लोज हो जाए अगर इसके, तो फिर हम यहाँ पे अगेन वही सेम ट्रेड पुट का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, पुट का यहाँ पे ट्रेड लेंगे फर्स्ट टारगेट एंड ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 19,272 19,234 का, ठीक है। ये ट्रेड बनेंगे दो जो अपने पुट के ट्रेड हैं सबसे अच्छे वाले। बट अगर मान लो गैप डाउन ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उस केस में प्रॉब्लम होगी और ऊपर नहीं जाए तो पुट का ट्रेड अगर बनता है तो देखो, अच्छा एक कॉल का भी यहाँ पे ट्रेड बन सकता है जो मैं बताता हूँ अभी यहाँ पे। बट फिलहाल देखो अगर मान लो ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, मतलब हमारा जो गैप डाउन है वो इस वाले एरिया में कहीं पे ओपन होता है, ऊपर अगर जाता है तो अपने पास ट्रेड तैयार है, बट अगर नीचे जाए तो फिर अपने पास ये लेवल है। देखो ये लेवल 19,234 का लेवल है। अगर यहाँ पे ऊपर ओपन, यहाँ इस एरिया में ओपन होता है गैप डाउन मार्केट निफ्टी एंड इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट देगा ना, तो फिर हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं अगेन, जिसका टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल 19,197 का, यहाँ पे
ज़्यादा बड़ा टारगेट यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ नीचे के गैपडाउन के केस में, तो यहाँ तक का हम टारगेट जो है बुक करेंगे। अगर आप चाहो तो ट्रेल कर सकते हो इस लेवल तक के लिए 19,157, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जो भी है ये दो लेवल्स हैं, इसके बेस पे आप ट्रेड ले लेना, ठीक है। पुट का ट्रेड यहाँ पे बनेगा, मेक श्योर कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट से बच के रहना इस वाले ट्रेड में स्पेशली, ठीक है। सो ये ट्रेड बन रहा है। अगर हम बात करें कि कॉल का ट्रेड यहाँ पे एक बन सकता है, जो अपना ये वाला लेवल है ना, देखो ये वाला जो अपना लेवल है 2, 3, 4 का, ये वाला लेवल, ठीक है, ये लेवल है। अगर मान लो यहाँ पे आता है, यहाँ पे ओपन हो या फिर यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है निफ्टी, और इस लेवल पे आता है और यहाँ पे ना अगर रिजेक्शन लेता है, इस एरिया पे रिजेक्शन लेता है, अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है इस वाले लेवल पे 19,234 पे, अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, ये रिस्की ट्रेड है, बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हो तो ही करना ये वाला ट्रेड, ठीक है, ये सबके लिए नहीं है। तो ये वाला लेवल है 19,234 का, अगर यहाँ पे निफ्टी आता है और इस एरिया पे सपोर्ट ले, राइट, रिजेक्शन ले, नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं जा रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, तो आप यहाँ पे ना कॉल बाय कर सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो, जिसका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक बना लो या फिर स्कैल्पिंग कर लो यहाँ तक के लिए ओनली, और ट्रेल करना है तो आप यहाँ तक इस लेवल तक कर लो। और ये लेवल कौन सा है, 19,272 और 19,309 का लेवल है, ठीक है, तो यहाँ तक आप जा सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से ना जाके फिर मार्केट नीचे गिर जाए, ये पॉसिबिलिटी होगी। सो इसलिए आप ध्यान रखना इस चीज़ को, यहाँ से जो ट्रेड है वो कर लेना, राइट। सो ये ट्रेड बन रहा है, ये वाला जो ट्रेड मैंने आपको बताया रिस्की है, सबके लिए नहीं है, ये अपने अकॉर्डिंग रिस्क के अकॉर्डिंग आपको करना है। देखो अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो फिर सिचुएशन थोड़ी सी अपने लिए ख़राब हो सकती है। देखो अगर बड़ा गैप डाउन हो जाए ना तो आप क्या कर सकते हो, वो भी मैं आपको एक बार यहाँ पे बता सकता हूँ, बहुत अच्छा नहीं बनेगा ट्रेड, बट एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे लेवल्स कौन से रहेंगे और क्या रहेंगे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड दो, ओके, ये रहा। तो अपने पास ना यहाँ पे लेवल्स जो आएंगे ऊपर की साइड में, वो यहाँ पे आएगा हमारा कॉल का ट्रेड अगर बनता है ना, गैप अप अगर ओपन हो जाए तो उस केस में हम यहाँ पे ये लेवल रख सकते हैं, एंड यहाँ पे हम रख सकते हैं ये इस अराउंड इस एरिया के हम यहाँ पे ये लेवल रख सकते हैं। तो अगर मान लो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट, राइट, मतलब यहाँ पे ही कहीं पे ओपन हो जाए टारगेट दे के ओपन हो जाए गैप अप, हमें नहीं पता सिनेरियो, क्योंकि 50-50 है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो अपने पास ये वाला लेवल है, इसको थोड़ा सा हम फिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखना ऊपर आके ना अच्छे से ब्रेकआउट देना चाहिए, अच्छे से एक बुलिश कैंडल जो है इसके ऊपर आके, जो अपने पास ये लेवल है, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए इस लेवल के यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है, तो ये अपने पास लेवल है 19,448 का, राइट। तो इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट अगर देता है, ठीक है, और यहाँ पे फेक ब्रेकआउट से बच के रहना, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट से बच के रहना, अच्छे से ट्रेड लेना, होल्ड करने देना, अच्छा ब्रेकआउट देखना, तब आप ट्रेड लेना कॉल का, और आप यहाँ तक का फर्स्ट और ये फाइनल टारगेट वेट जो है बुक कर सकते हो 19,474 का, 19,509 का, ये आपका टारगेट है। फर्स्ट टारगेट पे आप चाहो, जिनके पास कम लॉट्स हैं सारे लॉट्स लेके निकल जाना, अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप 70-80% यहाँ पे बुक कर सकते हो, एंड यहाँ तक के लिए फाइनल टारगेट का वेट कर सकते हो। ये आपके पास ट्रेड बन रहे हैं निफ्टी के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, कि देखो निफ्टी का तो बता दिया, टेलीग्राम का जो ग्रुप है फ्री ग्रुप आपको पता है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लाइव मार्केट का अगर कुछ भी अपडेट देना है मुझे तो वहाँ पे मैं दे दूंगा। सो इसके वीडियो के साथ साथ आपको लाइव मार्केट के अपडेट्स को सुनना और फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस वीडियो के बेस पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सो नाउ आगे बढ़ने से पहले, बैंक निफ्टी का डिस्कस करने से पहले, मेरे पास आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि प्राइवेट ग्रुप का क्या करना है, जो टेलीग्राम जो क्रिप्टो का है टेलीग्राम ग्रुप है उसमें काफ़ी सारे मैसेज आए हैं ज्वाइन करने के लिए। तो आप मेरे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है सब कुछ, वहाँ पे मैंने दे दिया है, वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। वहाँ पे एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ जो टेलीग्राम, ये देखो टेलीग्राम का अपने पास ये वाला ग्रुप है, ये रहा टेलीग्राम का क्रिप्टो का ग्रुप है, जहाँ पे मैं आपको जो भी क्रिप्टो में ट्रेड बन रहे हैं मैं आपको यहाँ पे इस वाले ग्रुप में शेयर करता हूँ, राइट, इस वाले ग्रुप में शेयर करता हूँ, जो कि अभी देखो छोटा सा एक हमारा एसएल हिट हुआ था अभी अभी जो ट्रेड ले रहे थे, बाकी प्रॉफिट होता है तो हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, 96, 100%, 50% का ही प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छा। और अगर लॉस होता है तो हम 10%, 20% मैक्सिमम लेके बैठते हैं इसके अंदर लॉस, और रेयरली होता है हमें लॉस, जो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ट्रेड्स आपको पता ही है। तो आप प्राइवेट ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा है, आप उससे ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे जो भी ट्रेड्स मैं आपको शेयर करूँगा वो आप ले सकते हो, और दिस इज़ फ्री, सबके लिए फ्री है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, तो आप मेरे चैनल पे अगर जाओगे तो वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ऑलरेडी, वहाँ पे आप जाकर देख लेना कि आपको, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये मेरा चैनल जो है, वहाँ पे जाओगे आप
यूट्यूब पे, तो प्लेलिस्ट में आप जाना एंड यहाँ पे क्रिप्टो का जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग का बिगिनर का ये देखो, क्रिप्टो ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, ये प्लेलिस्ट देख लेना पूरी, क्रिप्टो में कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्या करना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका भी लिंक मैंने दे दिया, क्रिप्टो में जो प्राइवेट ग्रुप है उसका भी मैंने आपको लिंक दे दिया नीचे, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लेना। ट्रेडिंग कौन से प्लेटफॉर्म पर करनी है अगर आपका ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो डेल्टा एक्सचेंज का जो है मैं वो यूज़ करता हूँ, आप भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। कैसे क्या यूज़ करना है, अगेन वो प्लेलिस्ट जो है ये वाली चैनल पे मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज यूज़ करने का रीज़न, मेजर रीज़न जो है वो ये है कि इसके अंदर फंड्स को ऐड करना और विड्रॉ करना बहुत ईजी है डायरेक्टली बैंक अकाउंट, P2P वगैरह हमें यूज़ करने की जरूरत नहीं है, सेफ तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में। बहुत कम चार्ज लगता है विड्रॉ करने का, ओनली वन डॉलर, चाहे आप कितना भी विड्रॉ करो चार्ज लगेगा पर ट्रांजेक्शन विड्रॉ करने का, तो बहुत सही है और ट्रेडिंग वगैरह वॉल्यूम वगैरह बड़ा बढ़िया है, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, मैं ये वाला जो है यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में सब सारे चीज़ों का लिंक दे दिया है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि बैंक निफ्टी में कौन से ट्रेड्स बन रहे हैं। ठीक है, देखो ये हमारे पास बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो अच्छे वाले ट्रेड्स बन रहे हैं, उसके बाद कुछ स्कैल्पिंग के ट्रेड्स बन रहे हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। देखो अब अगर मान लो अपने पास ये लेवल्स हैं सारे, ठीक है, सो अगर मान लो हमारा जो जो इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पे वो ये वाला है, एक सेकेंड, ये वाला हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है 44,357 का। ठीक है, सो इस लेवल के नीचे कहीं पर भी अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी यहाँ पर एंड इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है आके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे, जिसका टारगेट रहेगा यहाँ तक का फर्स्ट, ये सेकेंड और आप यहाँ पे थर्ड, ट्रेल कर करके आपकी मर्जी, आपको कितना करना है अपने लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है आप कर सकते हो। अगर ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा ट्रेल कर लो यहाँ तक के लिए, और थोड़ा ज़्यादा है और ज़्यादा तो आप यहाँ तक के लिए ट्रेल कर सकते हो। ये सारे लेवल्स मैं आपको देता हूँ, 44,441 का लेवल है फर्स्ट टारगेट, 44,530 का लेवल है सेकंड टारगेट के लिए एंड 44,633 का लेवल है थर्ड टारगेट के लिए। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने लॉट साइजिंग के अकॉर्डिंग इन लेवल्स के बेस पे ट्रेड कर लेना। अपना जो ब्रेकआउट है, जो एंट्री पॉइंट है वो यहाँ पे ये वाला लेवल 44,357 का, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रेड बन रहा है। अगर मान लो गैप अप वगैरह ओपन हो जाए ना यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन हो जाए तो यहाँ जाने का वेट करना इस लेवल से, राइट, या फिर क्लोजिंग से मार्केट क्या कर सकता है, रिजेक्शन लेके वापस ऊपर आ सकता है और अगेन जब ऊपर आएगा ना इस लेवल के अगेन ऊपर आके क्लोजिंग दे दे, ये ऐसा करके यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे से ऊपर आके और अगेन हमारे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए 44,357 का, तो अगेन वही कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं कॉल, और फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट अगेन वही सेम चीज़ करनी है। तो ये ट्रेड बन रहा है यहाँ पे और अच्छा ट्रेड कॉल का ही बन रहा है दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर हम बात करें पुट साइड में, तो देखो पुट साइड में अपने पास ये लेवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये वाला जोन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला जोन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अगर मान लो बैंक निफ्टी यहाँ पे आता है इस एरिया में, देखो ये वाला लेवल देख लो 44,000 का और ये वाला जो लेवल है 43,951 का लेवल है, तो आप क्या कर सकते हो कि बैंक निफ्टी इस एरिया में आता है एंड सपोर्ट अगर यहाँ पे लेता है ना, तो और ये वाला ट्रेड सबके लिए नहीं है, ठीक है, ये वाला ट्रेड सबके लिए नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस जो आप में से हैं उनके लिए है। अगर आप चाहो तो ये वाला कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो अपने रिस्क पे, थोड़ा सा रिस्की रहेगा बट अच्छा खासा ट्रेड बनेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे आता है एंड इस लेवल पे आके सपोर्ट लेता है, रिजेक्शन लेता है, राइट, यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट लेता है, रिजेक्शन लेता है, तो आप यहाँ पे एक अच्छा सा एक एंट्री पॉइंट देख के कॉल बाय कर सकते हो इस वाले एरिया में, जिसका आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये एंड सेकंड टारगेट ये, और आप ट्रेल कर सकते हो, हो सकता है मार्केट बहुत ऊपर बुलिश मूव भी दे दे, ठीक है, तो आप ट्रेल कर लेना। वैसे फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा ये 44,141 का रहेगा एंड ये 44,000 का राउंड नंबर का एरिया है यहाँ पे, ये चीज़ देख लेना। ओके, ट्रेल करना है तो आपके पास ये लेवल है 44,245 का, ठीक है, अपने लॉट साइज के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लॉट्स यहाँ पे बुक हो जाने चाहिए, उसके बाद आप जो करना है करो। ठीक है, ओके, अगर मान लो अगर हम बात करें पुट की, तो पुट का जो ट्रेड है, अगर जो सबसे अच्छा जो ट्रेड बन सकता है यहाँ पे पुट का, वो ये बन सकता है अपना ये लेवल है अपना 43,951 का। तो अगर मान लो ऊपर कहीं पे भी ओपन होता है बैंक निफ्टी एंड इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे होल्ड अगर करता है, तो फिर हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकेंड टारगेट आप ये बना सकते हो, थर्ड टारगेट आप फाइनल टारगेट ये बना सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टारगेट जो है 43,862 का है,
43,772 का सेकेंड टारगेट है एंड 43,672 का फाइनल टारगेट है। तो अपने पोजिशन साइजिंग जो है, लॉट साइजिंग जो है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ मैक्सिमम लॉट्स तो बुक कर लेना यहाँ पे, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो अपने लॉट साइजिंग के अकॉर्डिंग, आपकी मर्जी है। मैक्सिमम लॉट्स लेकिन यहाँ पे बुक कर लेना, कम लॉट्स वाले तो सारे लॉट्स यहाँ पे बुक कर लेना, होल्ड करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो ये ट्रेड बन रहा है एक पुट का, ये वाले सारे ट्रेड्स बन रहे हैं बैंक निफ्टी में। एक और यहाँ पे जो है ट्रेड, अगर आपको स्कैल्पिंग ट्रेड चाहिए तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, रिस्की रहेगा बट थोड़ा सा स्कैल्प आप कर सकते हो, बट चांसेस कम है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर कहीं पे ओपन होता है ना बैंक निफ्टी, जिसके चांसेस कम है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हो, इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो इस लेवल तक के टारगेट के लिए, स्कैल्पिंग ट्रेड है। अगर यहाँ पे ओपन हो जाए तो स्कैल्पिंग कर सकते हो। ये लेवल है आपका 44,245 का लेवल है, तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर ओपन होता है इस लेवल के नीचे, यहाँ पे साइडवेज, एग्जैक्ट साइडवेज इस एरिया में ही, नीचे नहीं यहाँ पे, और इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे, तो आप कॉल यहाँ तक के लिए बुक कर सकते हो, बाय कर सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो। 44,357 का फाइनल टारगेट है आपका ये, और 44,245 का लेवल है, ठीक है। एंड अगेन स्कैल्पिंग पुट का ट्रेड अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कहीं पे ओपन हो और इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट मिल जाए तो आप पुट बाय कर सकते हो इस लेवल तक के लिए, 44,000 का राउंड नंबर है, और ये लेवल आपका एंट्री पॉइंट 44,141 का। देखो ये जो स्कैल्पिंग वाले दो ट्रेड्स बताए बैंक निफ्टी के, ये रिस्की रहेगा, आपको पता है कि स्कैल्पिंग जो है लो रिवॉर्ड एंड हाई रिस्क वाले जो ट्रेड्स होते हैं वो स्कैल्पिंग ट्रेड्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रख के करना है। कम लॉट से चाहो तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये ट्रेड्स बन रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आपको प्रॉफिट्स होते हैं मेरी वीडियो देख के, जो कि ऑब्वियसली बातें होते हैं, आपको पता ही होगा कि शायद ही हमारे रेयरली लेस जो अपना एसएल है वो हिट होता है, तो आप मुझे वीडियो लाइक करके और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ फ़ायदा उठा रहे हो इस वीडियो का, राइट, आपको मज़ा आ रहा है, आप अच्छे से प्रॉफिट कर पा रहे हो। तो यही पर्पज़ है मेरा इस वीडियो को बनाने का, और तो कुछ रीज़न है नहीं, है ना। तो मुझे बताया करो, एंड ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।